एक बार गौतम बुद्ध उपवन में विश्राम कर रहे थे। तभी बच्चों का एक झुंड आया और पेड़ पर पत्थर मार के आम गिराने लगा। एक पत्थर बुद्ध के सर पर लगा और उससे खून बहने लगा। बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने ये सब देखा और भयभीत हो गए। उन्हें ये लगा कि अब बुद्ध उन्हें भला बुरा कहेंगे। बच्चों ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। उनमें से एक बच्चे ने कहा, हमसे बड़ी भूल हो गई है, मेरी वजह से आपको पत्थर लगा और आपकी आंखों में आंसू आ गए। इस पर बुद्ध ने कहा कि बच्चों, मैं इसलिए दुखी नहीं हूँ कि आप लोगों ने मुझे पत्थर मारा, मैं इसलिए दुखी हूँ कि आप लोगों ने पेड़ पर पत्थर मारा। पेड़ ने आपको उसके बदले मीठे फल दिए, लेकिन मुझे पत्थर मारने पर मैं तुम्हें सिर्फ बह दे सका। बुद्ध को करुणा के सागर कहा जाता है। सामान्य मनुष्य हमेशा जमा करने के बारे में सोचते हैं, पर जो बुद्ध पुरुष होते हैं वो चंदन की तरह होते हैं। चंदन की लकड़ी घिस जाती है, पर वो अनमोल सा सुगंध दे जाती है। वैसे ही बुद्ध पुरुष अपनी अंतिम सांस तक केवल देने के बारे में सोचते हैं। ये संपूर्ण सृष्टि हमें निरपेक्ष भाव से केवल देती है। सूर्य बिना कुछ अपेक्षा किए संपूर्ण सृष्टि को प्रकाश देता है। पेड़ मीठे फल देते हैं, पृथ्वी निरपेक्ष भाव से अन्न देती है। यहाँ तक कि रेशम का छोटा सा कीड़ा भी मरते वक्त रेशम का धागा दे जाता है। पर सिर्फ इंसान ही है जो सिर्फ बटोरना जानता है। उसे लगता है कि मुझे ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे वो मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, पर सुख उसे मिलता ही नहीं। और जो बुद्ध पुरुष होते हैं वो जानते हैं कि सच्चा सुख लेने में नहीं तो देने में होता है। यदि हमारे पास धन नहीं तो कोई बात नहीं, पर हम अपने आचरण और व्यवहार से दूसरों को सुख दे सकते हैं। हम अपने अच्छे विचारों से दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हैं। एक जलते हुए दीपक से हजारों दिए रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दिए की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हो।